हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्नम। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करी थी, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड था। और अब हमें बात करनी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शुरू करते हैं हम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के बारे में। तो ये बेसिकली क्या, दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। पहला जो होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन्स होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो बेसिकली इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहां से इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे ब्रेन तक। ब्रेन क्या कर रहा था, कंपेयर कर रहा था, रिसीव, पहले रिसीव कर रहा था, फिर कंपेयर कर रहा था, काउंटर एक्सचेंज कर रहा था और फाइनली रिस्पॉन्स कर रहा था। तो सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और लेके जाते हैं ब्रेन तक। और सेकंड क्या होता है, आपका मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन से आई है उस सारी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से कैरी करेंगे आपके इफेक्टर ऑर्गन तक। वो इफेक्टर ऑर्गन क्या क्या हो सकते हैं, या तो मसल्स हो सकता है एंड आपका ग्लैंड हो सकता है। मसल्स या ग्लैंड तक लेके आते हैं, ठीक है। अब नर्व्स बंडल, तो नर्व्स बंडल्स जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स की नर्व्स जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है। पहली आपकी होती है सेंसरी एंड सेकंड होती है मोटर न्यूरॉन्स। तो ब्रेन से जो निकलने वाली नर्व्स होती हैं वो आपकी क्या होती है, क्रेनियल नर्व्स होती हैं। और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं वो होती हैं आपकी स्पाइनल नर्व्स। तो ये नर्व्स जो है वो नर्व्स बंडल बनाते हैं। अब पेरिफेरल यदि आप नर्व टोटल नर्व्स की बात करेंगे तो कितनी नर्व्स होती हैं, 43 पेयर्स होती है। 43 पेयर कैसे होती है, 12 पेयर आपकी क्रेनियल होती है, 31 पेयर्स जो रहती है वो स्पाइनल नर्व्स होती हैं। अभी हम क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपका ये कंफ्यूजन अगर कोई है तो वो क्लियर हो जाएगा। अब क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो कितने नेचर की होती हैं, एक तो सेंसरी नेचर्स की भी होंगी, आपके मोटर नेचर्स की भी होंगी, या बोथ, मतलब मिक्स्ड नेचर की रहेंगी। सेंसरी नर्व्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, मोटर नर्व्स भी होती हैं और आपकी मिक्स्ड नर्व होती हैं। लेकिन वहीं पर यदि आप स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो इसमें जो होती हैं वो आपकी मिक्स्ड टाइप पाई जाती हैं। यहाँ पर आपकी सेंसरी या न्यूरो सेंसरी या मोटर नहीं होते, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड थी, जब हमने उसका ट्रांसवर्स सेक्शंस पढ़ा था तो डोर्सल रूट था, वेंट्रल रूट था। जो आपका डोर्सल था वो बेसिकली सेंसरी नर्व्स को लेके आ रहा था, वेंट्रल मोटर्स को लेके आ रहा था, और दोनों मिलके फिर स्पाइनल नर्व्स बना लेती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं वो मिक्स्ड होती हैं, और बाकी जो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो सेंसरी, मोटर्स एंड मिक्स्ड टाइप की होती हैं। जो इफ्रेंट न्यूरॉन्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स मीनिंग इन्फॉर्मेशन को लेके आ रहा है। जो आपकी इफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके सिग्नल को कैरी करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स, ग्लैंड या टिश्यू, जो आपके इफेक्टर ऑर्गन है, जहां पर आप रिस्पॉन्सेस को कराना चाहते हैं वहां तक लेके जाते हैं। ठीक, अब पहले हम बात कर लेते हैं क्रेनियल नर्व्स के बारे में। तो टोटल आपकी 12 पेयर की क्रेनियल नर्व्स होती हैं। 12 पेयर मीनिंग की जो आपकी ऑल्फैक्ट्री होंगी वो 2 होंगी, ऑप्टिक भी 2 होंगे, ऑक्लोरोमोटर्स जो हैं वो भी 2 होंगी। तो इस तरीके से ये पेयर्स में होती हैं। फोर्थ है आपकी ट्रोक्लियर, फिफ्थ है ट्राइजमाइनल जिसके 3 पार्ट्स हैं, ऑप्थेल्मिक है, मैक्सिलरी है एंड मैंडिबल है। जो आपकी ऑल्फैक्ट्री होती है वो स्मेल के लिए होती है। इनको याद करना बहुत दिक्कत, ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं होगा, क्योंकि बात क्या है ना कि जो इनका नाम है वो इनका फंक्शन है। इनका नाम और फंक्शन आसानी से याद हो जाता है, लेकिन इनका नेचर जो है वो याद नहीं होता। तो इनके नेचर्स को कैसे याद रखना है, उसके लिए मैं अभी आपको एक न्यूमोनिक्स बताऊंगी, उसके थ्री आपको ये पूरा याद हो जाएगा। अभी आप बस ये सुनो कि जो आपकी फर्स्ट नर्व है वो है ऑल्फैक्ट्री, जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड है ऑप्टिक, जो रेटिना जो है, आईबॉल जो है उसके मूवमेंट्स के लिए होती है। ऑक्यूलोमोटर, मूवमेंट ऑफ आईबॉल, आइरिस एंड लेंसेस के लिए। ट्रोक्लियर जो है वो रोटेशन ऑफ आईबॉल कराती है। जो आपकी ट्राइजमाइनल है जिसमें ऑप्थेल्मिक है, मैक्सिलरी है, मैंडिबुलर है, तो ऑब्वियस है मूवमेंट ऑफ टंग, जो लाइन जो होती है उसके मूवमेंट्स के लिए होता है। एब्ड्यूसेंस जो होती है वो रोटेशन कराती है आईवॉल का। फेशियल जो है
वो बेसिकली टेस्ट के लिए होती है और फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए होता है। ग्लोसोफेरिंजियल जो है वो लैरिंग्स का जो होता है उसके मूवमेंट्स के लिए है। वेगस जो है वो वोकल कॉर्ड के लिए होता है, लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल एसेसरी नर्व्स जो है वो मसल्स ऑफ फेरिंग्स के लिए, एंड हाइपोग्लोसम जो है वो मूवमेंट ऑफ टंग्स के लिए। तो ये बेसिकली उसके फंक्शंस हैं, कौन सा स्पाइनल कॉर्ड है, टोटल 12 पेयर है और उनके फंक्शंस हैं। अब है क्या कि ये तो हमें पता है कि ऑल्फैक्ट्री जो है वो सेंसरी नेचर की है, ऑप्टिक जो है वो अगेन सेंसरी नेचर्स की है, ऑक्यूलोमोटर्स जो है वो मोटर नेचर की है, ट्रोक्लियर जो है वो मोटर नेचर में है, ट्राइजमाइनल जो है वो बोथ है, मीनिंग सेंसरी एंड मोटर दोनों रिस्पॉन्सेस देगी। एब्ड्यूसेंस मोटर, फेशियल जो है वो मिक्स्ड है, मीनिंग बोथ है, ऑडिटरी जो है वो सेंसरी है, ग्लोसोफेरिंजियल जो है वो बोथ, फिर बेगस जो है वो भी बोथ मतलब मिक्स्ड है, फिर स्पाइनल एसेसरीज आपका मोटर है और ग्लोसोफेरिंजियल जो है वो भी आपका मोटर है। तो इस तरीके से आपने देखा एस एस एम एम बी एम बी एस बी बी एम एम। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने के लिए जो न्यूमोनिक्स है वो ये है कि सम सेज मनी मैटर, एस सम एस सेज एम मनी एम मैटर, व्हाट माई ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर। तो ये न्यूमोनिक्स है जो आपको याद रखना है कि सम सेज मनी मैटर बट यहां से बोथ माई ब्रदर बोथ सेज बिग बुक्स मैटर मोर। तो जैसे ही आप इसको याद रखेंगे कि सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर, ठीक, तो ये जो न्यूमोनिक्स है ये, लेकिन शर्त क्या है कि आपको ये सिक्वेंशली याद होनी चाहिए। यदि आपको ये सिक्वेंस से याद है तभी जाके आपका ये न्यूमेनिक्स जो है वो काम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको याद कर लेंगे। फिर अब क्या आता है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एक्चुअली ये जो नर्व सेंस है बहुत लिमिटेड से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते, और ज्यादा है तो नेचर से ही क्वेश्चन आता है, जिसके लिए इसीलिए मैं आपको न्यूमोनिक्स बताया है कि आप उसको याद रख लें। जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है। तो पहले आपका क्या है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके टू डिवीजन है, एक है आपका सोमेटिक डिवीजन एंड सेकंड है आपका ऑटोनोमिक डिवीजन, ठीक। तो इफरेंट डिवीजन जो है वो सोमेटिक ऑटोनोमिक जो है वो इफरेंट डिवीजन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब सोमेटिक न्यूरॉन्स सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या था, वॉलेंट्री कंट्रोल था, स्केलेटल मसल्स के थ्रू उसका रेगुलेशन हो रहा था, वॉलेंट्री कंट्रोल था, अंडर आपके कंट्रोल में था, जैसे कि आपको चलना है फिरना है, लिम का मूवमेंट है, नेक का, या जो भी आपके स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट है वो सारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। और इसमें जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक। फिर है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या था, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करने वाला, मतलब कि ऑटोमेटिकली जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए है। तो उसका एग्जांपल क्या है, जैसे आपकी स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, ग्लैंड हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटीज हैं, ये सारा जो है वो आपका क्या था, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का था, जिसके क्या थे, टू डिविजन थे, सिंपथेटिक था एंड पैरासिंपथेटिक था। अभी मैं इसको बिल्कुल डिटेल में बता दूंगी तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं मोटर न्यूरॉन्स के बारे में। तो जो मोटर न्यूरॉन्स थे वो बेसिकली क्या थे, वो आपकी ब्रेन से सारी इंफॉर्मेशन को लेके आते थे। और अगर आप सोमेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो आपका जो मोटर न्यूरॉन था वो इनर्वेट होगा स्केलेटल मसल्स पे, और जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो आपका सेंसरी न्यूरॉन होगा वो इनर्वेट करेगा आपका स्मूथ मसल्स पे, कार्डियक मसल्स पे, ग्लैंड पे या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब ये देखो, इसको यहां से समझो, बस आपको ये थ्री ही पॉइंट्स याद रखने हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम में। कौन कौन सा, पहला तो ये है कि कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटल मसल्स। इसका मतलब क्या है,
जो आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो बहुत बेसिक सा नर्वस सिस्टम है, ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं रहती इस नर्वस सिस्टम में। होता क्या है कि ये देखिए, ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम में केवल एक आपका न्यूरॉन्स होगा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेके आएगा स्केलेटल मसल्स तक, जो आपका मोटर न्यूरॉन होगा, और सेंसरी एक ही न्यूरॉन्स होगा जो आपकी इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा। मतलब जो आपके कंट्रोल में है वो बहुत सिंपल है, इसको ऐसे याद रखिए। और कंट्रोल में कौन सा नर्वस सिस्टम है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, जो आपका वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। तो इस ये बहुत बेसिक है, सटीक है, एक ही न्यूरॉन रहेगा, ज़्यादा तामझाम इसमें नहीं रहेगा। सिंपली वो न्यूरॉन आपका ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आएगा और जैसा रिएक्शन करना है कर लीजिए। तो ये क्या है? आपका सोमेटिक है। लेकिन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ऑटोमेटिक हो जाने वाला, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो वैसे ही इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है वो हल्का सा टिपिकल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है यहाँ पे, वो कौन सा है? एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज होता है। वहीं पर अगर आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, हाँ देखो ये, देखो ये स्केलेटल मसल्स पे इनर्वेट होता है, मीनिंग स्केलेटल मसल्स इसका इफेक्टर ऑर्गन होता है, और ये इसमें मसल्स का एक्साइटेशन होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक। फिर ऑटोनोमिक अगर नर्वस सिस्टम की आप बात करें तो इसमें जो है टू न्यूरॉन्स होते हैं। कौन कौन से टू न्यूरॉन्स होते हैं? एक ये होता है जिसे आप कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, फिर आपका ये गैंग्लिया होता है, एंड सेकंड जो रहता है वो होता है आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है ये जुड़ा होता है आपके इफेक्टर ऑर्गन से। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इफेक्टर ऑर्गन क्या हो सकते हैं? स्मूथ मसल्स हो सकते हैं। स्मूथ मसल्स आपके कहाँ बेसिकली प्रेजेंट होते हैं? कार्डियक रीजंस में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जैसे आपका ब्लड प्रेशर है, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एंजाइम का सिक्रेशन है, या फिर आपका सलाइवा सिक्रेशन है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि ये सारा वहाँ पे क्या, स्मूथ कार्डियक मसल्स, ग्लैंड और अदर सेल्स जो है प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारा आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेकेंड क्या होता है, ये इनर्वेट क्या करती हैं, जो मैंने अभी बताया बिल्कुल आपको, ये कार्डियक मसल्स, ग्लैंड एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल न्यूरॉन, लेकिन ये स्केलेटल मसल्स में नहीं होता, क्योंकि स्केलेटल मसल्स जो है वो आपका वॉलेंट्री मूवमेंट है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, और वो आता है अंडर सोमेटिक नर्वस सिस्टम। एंड लास्ट जो है इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक्साइटरी होता है एंड इनहिबिटरी होता है। मतलब इसमें दो पार्ट्स थे, सिंपथेटिक था, पैरासिंपथेटिक था। जब जरूरत पड़ेगी, जब फियर की कंडीशन होगी, जब थ्रेटेंड होगा, जब कोई परेशानी आएगी, जब हम स्ट्रेस में रहेंगे, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्साइटेड होता है, तो दूसरा इनहिबिट होता है। इस वजह से जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो टू इन नेचर होता है, एक्साइटेशंस भी होता है, इनहिबिशंस भी यहाँ होता है। तो समझ में आया, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में सिंगल न्यूरॉन्स है, इनर्वेट करेगा स्केलेटल मसल्स पे, केवल एक्साइटेशंस होगा, यहाँ पर केवल एक ही न्यूरॉन रहेगा, ज्यादा झंझट नहीं होती, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन। वहीं पर आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें टू चेन्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, फर्स्ट प्री गैंग्लिया, सेकंड पोस्ट गैंग्लिया। आपका प्री गैंग्लिया एसिटाइल कोलिन को सिक्रेट करता है, पोस्ट गैंग्लिया जो है सिंपथेटिक के केस में एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन को सिक्रेट करता है, वहीं पर पैरासिंपथेटिक के केस में एसिटाइल कोलिन को सिक्रेट करता है। ये अभी मैं आपको फर्दर बताऊंगी पूरा मैकेनिज्म, अभी आप बस इतना जान लीजिए कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है टू न्यूरॉन्स है, इनर्वेट करेगा कार्डियक मसल्स में, ग्लैंड में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल न्यूरॉन, ये एक्साइटेशंस भी कर सकता है, इनहिबिशंस भी कर सकता है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस जो है वो क्या है? कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को, जो स्मूथ मसल्स के थ्रू रेगुलेट हो रहा है, ग्रैंडुलर सिक्रेशन के लिए है, और बहुत से और भी फंक्शंस हैं। अब इसी का एक डिवीजन होता है, वो है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, इससे कभी अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसीलिए इसको डिटेल में पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आपके न्यूरॉन्स जाते हैं वो बेसिकली वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंसीडर करा जाता है अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जहां पर आपके सेंसरी इंटर न्यूरोन एंड मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है टू चेन के बारे में।
टू चेन मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पर सीरीज ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। पहला होता है आपका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओरिजिन होती है, एंड सेकेंड होता है आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो आपकी इंफॉर्मेशन को इफेक्ट तक ऑर्गन तक लेके जाता है। मतलब जो आपके प्री गैंग्लियन होते हैं वो बेसिकली ब्रेन से सिग्नल को, या जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नलिंग ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से कोई सिग्नलिंग है वो सबसे पहले आएगी आपकी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में, फिर गैंग्लिया में जाएगी, फिर पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन से होते हुए वो आपके इफेक्टर ऑर्गन तक जाती है। अब इसका डिविजन हो सकता है, सिंपथेटिक हो सकता है, पैरासिंपथेटिक हो सकता है, और सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, तो डिवीजन में कौन सा मैंने बताया, सिंपथेटिक डिवीजन। सिंपथेटिक डिवीजन में क्या है कि पहला तो है ये वॉलेंट्री है। अब होता क्या है इसको जरा मैं अभी यही एक डायग्राम से बताती हूँ। ये जैसे आपका ब्रेन है, ठीक है, अब यहां से इसी को कोई स्टिमुलस मिला, इन्वायरमेंट से कोई भी स्टिमुलस मिला। अब ये जो इन्वायरमेंट से स्टिमुलस मिला है ये कहाँ कई के थ्रू आया, ये आया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। अब ये ब्रेन में गया, ब्रेन का पार्ट होता है थैलेमस, सॉरी हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस के भी दो रीजन होते हैं, अभी मैं आगे जब इसका मैकेनिज्म बताऊंगी तब बताऊंगी। तो हाइपोथैलेमस के पार्ट में वो सिग्नल आया और हाइपोथैलेमस ने क्या किया कि सिग्नल को कंसीव किया, फिर उसके बाद काउंटर एक्सचेंज करा, कंपेयर करा, और उसने सिग्नल को वापस भेजा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। अब जब ये मोटर न्यूरॉन्स आते हैं तो ये क्या करते हैं, जैसे ये आप मान के चलो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, तो यहां पर होगा सर्वाइकल, ये होगा थोरेसिक, ये होगा लंबर, ये होगा सैक्रल और ये होगा कोक्सियल। ठीक है, तो आपका जो सिंपथेटिक नर्वस सिंपथेटिक डिवीजन होता है वो होता क्या है कि यहां तक ये पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी सर्वाइकल से थोरेसिक तक, पूरी इंफॉर्मेशन आएगी, यहां से नर्व्स जो हैं वो बाहर निकलना शुरू होती हैं। मतलब सिंपथेटिक डिवीजन में कभी भी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सर्वाइकल रीजन से नहीं पास आउट की जाती, वो पास आउट होती है थोरेसिक से एंड लंबार स्पाइनल कॉर्ड वाला जो रीजन है वहां से। इसीलिए इसको हम कहते हैं थोरेको लंबार आउटफ्लो, क्योंकि जो आपकी इंफॉर्मेशन आई है जब आपका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है तो आपकी जो पूरी इंफॉर्मेशन आई है वो ब्रेन से होते हुए आई आई आई, और फिर जहां पे आपका थोरेसिक रीजन था वो आपके थोरेसिक रीजन से एक्सप्रेड हुई है, वहीं से आपकी निकली हुई है सारी इंफॉर्मेशन बाहर के लिए, या फिर जो रिस्पॉन्सेस करने के लिए वो थोरेसिक एंड लंबार है, उस वजह से इसको कहते हैं थोरेसिक लंबार आउटफ्लो। ठीक, अब जो गैंग्लिया है, अब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो आपका प्री गैंग्लिया होता है वो पास में प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड के। फिर मतलब जो आपका पहला प्री गैंग्लिया होता है, जो आपका फर्स्ट न्यूरॉन होता है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है, वो शॉर्ट होता है, और फिर आपका आएगा गैंग्लिया, फिर उसके बाद में आएगा आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन फाइबर जो आपका लॉन्ग फाइबर होता है। तो वो इसमें लिखा है कि गैंग्लिया प्राइमरली नियर द स्पाइनल कॉर्ड सिंपथेटिक ट्रंक कहते हैं, यहाँ प्री गैंग्लिया की बात हो रही है, एंड एब्डोमिनल कैविटी के पास जो रहता है उसको कहते हैं कोलैटरल गैंग्लिया। अब आपका जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो कहाँ से निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, जैसे आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, पूरा एक स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड का है, और जैसे ही नर्व्स जो हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं वो कहाँ से निकलते हैं, क्योंकि पेरिफेरी में जाना है, चारों तरफ जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है इस तरीके से निकलती हैं नर्व्स आपकी, तो ये रीजन क्या होगा, ये रीजन एंटीरो मीडियल लेटरो सॉरी एंटीरियो मीडियो लेटरल रीजन, एंटीरो मीडियो लेटरल रीजन। क्यों, क्योंकि एंटीरियो मीडियल मतलब कि ऊपर से बीच का पार्ट है, मीडियम का पार्ट है, और लेटरल से जो है स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इंटरमीडियो लेटरल रीजन, इंटरमीडियो लेटरल रीजन। इस तरीके से बीच, यहां से भी बीचों के बीच,
जब ये बीच में निकलता है इसीलिए इसका नाम है इंटरमीडियोलेटरल रीजन से ही जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड की प्री गैंग्लिया होती है वो निकलती है। अभी डायग्राम के थ्रू ये सब क्लियर हो जाएगा, अभी बस सुन लो। फिर इसके बाद क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट हो रहा है, जब हमें सिंपैथी की जरूरत है, जब हम स्ट्रेस कंडीशन में थे तब जाके ये जो है एक्टिवेट हो रहा था। तो स्ट्रेस कंडीशन कब आती है, तो फाइट फ्लाइट जैसी कंडीशन बनती है, उसके रिजल्टेंट क्या होता है, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्यूपिल डायलेशन जैसी सिचुएशन आ जाती है। पैरासिंपैथेटिक डिवीजन क्या था, पैरासिंपैथेटिक डिवीजन बेसिकली पहले इसका ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन जो है वो क्रेनियल एंड सेक्रल स्पाइनल कॉर्ड से होता है। अभी क्या था, पूरी इंफॉर्मेशन आई सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आते आते आउटफ्लो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में कहाँ कहाँ से हो रहा था। एक तो आपका थोरेसिक रीजन से एंड लंबार रीजन से, थोरेसिक के जो आपके 12 थे एंड लंबार 2 और 3 वर्टिब्री तक आपका सिंपैथेटिक नर्वस डिवीजन होता है। और पैरासिंपैथेटिक में क्रेनियल नर्व्स के थ्रू प्लस आपका सेक्रल, तो इसीलिए इसको कहते हैं क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो। क्यों, क्योंकि इसका जो आउटफ्लो है या इसकी जो नर्व्स बाहर की तरफ आई हैं वो क्रेनियल से आती हैं प्लस सेक्रल रीजन से आती हैं पैरासिंपैथेटिक के केस में, ठीक। और जो गैंग्लिया है वो नियर विद इन द टारगेट ऑर्गन, जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका जो गैंग्लिया होता है वो प्री गैंग्लिया जो रहता है वो आपका एक लॉन्ग गैंग्लिया होता है, मतलब वो ऑलमोस्ट आपके इफेक्टर ऑर्गन के आसपास ही प्रेजेंट होता है। और ये प्रमोट करता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स को, जो मैंने आपको बताया था एक ऐसी सिचुएशन जहां आप एकदम चिल कर रहे हैं, जहां पर आपको कोई टेंशन नहीं है, उस सिचुएशन में आपका पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट रहता है। तो मोस्ट ऑफ टाइम पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही एक्टिवेट होता है, जो स्ट्रेस वाली फियर या फाइट फ्लाइट जैसी कंडीशन कभी कभार ही आती है, तो डोमिनेंटली जो एक्टिवेशन होता है वो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में है, जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर आप सोमेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो उस टाइम भी आपका एसिटाइल कोलिन सिक्रेशन होता है। अगर आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो सिंपैथेटिक हो या पैरासिंपैथेटिक हो, अगर आपका प्री गैंग्लिया है तो प्री गैंग्लिया या प्री न्यूरॉन्स आपके जहां भी प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे एसिटाइल कोलिन का ही सिक्रेशन करते हैं, वो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। जो आपके प्री गैंग्लिया हैं, चाहे वो सिंपैथेटिक के हों चाहे वो पैरासिंपैथेटिक के हों, वो आपके एसिटाइल कोलिन को ही सिक्रेट करते हैं। इस बात को एकदम माइंड में बिठा लीजिए कि जो प्री गैंग्लिया हैं वो आपके एसिटाइल कोलिन को सिक्रेट करते हैं, कोलिनर्जिक फॉर्म में होते हैं। वहीं पर जो आपका पोस्ट गैंग्लिया होता है, ठीक है, चलो इसको मैं डायग्राम के फॉर्म बता दूं, जो आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं वो सिंपैथेटिक डिवीजन में डिफरेंट को सिक्रेट करती हैं, और जो आपकी पैरासिंपैथेटिक होती हैं उनमें डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रेट करती हैं। इसको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वो इसमें लिखा है, जो पोस्ट गैंग्लिया होती है, जो नॉन एपिनेफ्रिन होता है वो आपकी पोस्ट गैंग्लिया से सिक्रेट होता है सिंपैथेटिक डिवीजन में, लेकिन पैरासिंपैथेटिक में पोस्ट गैंग्लिया सिमिलर सिक्रेशन करता है एसिटाइल कोलिन का ही। लेकिन इसका एक एग्जांपल है, सिंपैथेटिक डिवीजन में जो आपका प्री गैंग्लिया था वो क्या सिक्रेट कर रहा था, एसिटाइल कोलिन को, लेकिन जो आपका पोस्ट गैंग्लिया था वो सिक्रेट कर रहा था एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन को। लेकिन इसका केवल एक ही एक्सेप्शन है, वो है स्वेट ग्लैंड। जो स्वेट ग्लैंड है, जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यदि एक्टिवेट हुआ है और वो जो नर्व्स है उनका इनर्वेट स्वेट ग्लैंड में हुआ है, तो वो एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन की जगह स्वेटिंग उनको करनी है, तो एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन करती है। ये एक एक्सेप्शन है या ये एक डिफरेंट सिचुएशन है जिसे आपको याद रखना है, ठीक। एड्रीनल मेड्यूला क्या करता है कि जो आपका प्री गैंग्लियन था सिंपैथेटिक डिवीजन के दौरान, प्री गैंग्लिया गैंग्लियन को एक्टिवेट करता है, पोस्ट गैंग्लिया पे जाता है, तो पोस्ट गैंग्लिया जो है पहले तो नॉरएपिनेफ्रिन का सिक्रेट करता है, और वो ही पोस्ट गैंग्लिया केमिकल रेगुलेशन के थ्रू एड्रीनल मेड्यूला को एक्टिवेट करता है, और एड्रीनल मेड्यूला जो है एपिनेफ्रिन का सिक्रेशन करता है। अब इसको मैं पूरा डायग्राम के थ्रू आपको एक बार दिखा देती हूँ।
ये देख लीजिए, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें है क्या, इस सोमेटिक नर्वस सिस्टम तो हमें सिंपली पता था, एक नर्व्स रहेगी, ना कोई टेंशन ना कोई झंझट, वॉलेंट्री कंट्रोल है, आपके अकॉर्डिंग आप जैसा करना चाहें सोमेटिक नर्वस सिस्टम को वैसे घुमा सकते हैं। जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है, बात खत्म, ठीक है। फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में यदि आप पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या था कि आपका ये जो प्री गैंग्लिया था, प्री गैंग्लिया आपका लॉन्ग गैंग्लिया है जो ऑलमोस्ट आपकी इफेक्टर ऑर्गन तक गया है, बस इतना ही डिफरेंस है ना, इफेक्टर ऑर्गन तक गया है। फिर दूसरा स्ट्रक्चर है आपका गैंग्लिया। अब ये जो आपका प्री गैंग्लिया है, मैंने अब भी आपको बताया था, जो आपका प्री गैंग्लिया है चाहे वो सिंपेथेटिक का हो चाहे वो पैरासिंपेथेटिक का हो, सोमेटिक नर्वस सिस्टम का हो, सारे प्री गैंग्लिया एक ही न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रेट करते हैं, वो क्या है, एसिटाइल कोलिन। तो यहां पर सिक्रेशन जो हुआ है वो क्या है, एसिटाइल कोलिन का हुआ है। फिर ये एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है आपके पोस्ट पैरासिंपेथेटिक गैंग्लिया के लिए। तो जैसे ये पोस्ट पैरासिंपेथेटिक गैंग्लिया आपका ये है, यहां पे बाइंड करेगा और ये इफेक्टर ऑर्गन की तरफ अगेन एसिटाइल कोलिन को ही सिक्रेट करता है, ठीक है। तो जब आप पैरासिंपेथेटिक डिवीजन की बात करेंगे तो बोथ सिचुएशन में, चाहे वो प्री गैंग्लिया हो या पोस्ट गैंग्लिया हो, एसिटाइल कोलिन का ही सिक्रेशन होता है। ये बात समझ में आ गई, पैरासिंपेथेटिक में प्री एंड पोस्ट गैंग्लिया सिक्रेट कर रहे हैं आपके एसिटाइल कोलिन को। वहीं पर अब सिंपेथेटिक डिवीजन की बात आ गई, सिंपेथेटिक डिवीजन मीनिंग स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिवेट होने वाला सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें जो आपका ये प्री गैंग्लिया है ये एकदम शॉर्ट होता है, छोटा सा होता है, स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स कहाँ निकल रही थी, इंटरमीडियो रीजन से, इंटरमीडियो लेटरल रीजन से बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट है, फिर ये पहुंचा यहाँ पे आपका गैंग्लिया में। तो पहले तो इसने, क्योंकि प्री गैंग्लिया है तो ये तो रूल बन गया है कि एसिटाइल कोलिन को ही सिक्रेट करेगा, तो यहाँ पे ये प्री गैंग्लिया एसिटाइल कोलिन को ही सिक्रेट करता है। और बाकी ये जो अब सेकंड गैंग्लिया है जिसे कहते हैं पोस्ट गैंग्लिया, जो पैरासिंपेथेटिक के केस में लॉन्ग है, पैरासिंपेथेटिक के केस में शॉर्ट था, तो क्या सिक्रेट कर रहा है सिंपेथेटिक के केस में, जो आपका सेकंड या फिर आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोनल फाइबर है, वो कर रहा है नोरेपिनेफ्रिन को, ठीक है, नोरेपिनेफ्रिन को। और ये किसको कर रहा था, एसिटाइलकोलिन को, इसने किया नोरेपिनेफ्रिन को, और ये नोरेपिनेफ्रिन जो है ये बाइंड कर गया आपके इफेक्टर ऑर्गन पे, जो आपके क्या है, स्मूथ मसल से, कार्डियक मसल से, ग्लैंड या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है। सेकंड क्या होता है, ये जो एसिटाइल, ये तो आपका सिक्रेशन हो गया नोरेपिनेफ्रिन का, ये जो सेकंड जो न्यूरॉन्स रहेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिंपेथेटिक डिवीजन में एक ही न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, कुछ न्यूरॉन्स क्या होंगे, एसिटाइल कोलिन का ही सिक्रेशन करेंगे, प्री गैंग्लिया तो एसिटाइल का ही करेगा, ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन होगा और ब्लड के थ्रू केमिकल सर्कुलेशन होगा, और वो आपका एक्टिवेट यहाँ पे करता है, सॉरी यहीं पे, सॉरी ये था ना, यहाँ तक आया, हाँ, यहाँ पर जो आपने प्री गैंग्लिया था, प्री गैंग्लिया ने सिक्रेट करा एसिटाइल कोलिन को, और ये जो एसिटाइल कोलिन है केमिकल रेगुलेशन के थ्रू रेगुलेट करेगा एड्रीनल मेड्यूला को, और एड्रीनल मेड्यूला जो है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपका एड्रीनल मेड्यूला एपिनेफ्रिन को सिक्रेट करेगा, एंड ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है ये इफेक्टर ऑर्गन तक जाएगा। तो आया समझ में, पहले मैं रिवाइज्ड करा देती हूँ। सोमेटिक में कोई टेंशन नहीं, एक ही न्यूरॉन्स है, एसिटाइल कोलिन को सिक्रेट कर देता है इफेक्टर ऑर्गन, स्केलेटल मसल्स। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिंपेथेटिक है, पैरासिंपेथेटिक में प्री गैंग्लिया बिल्कुल एसिटाइल कोलिन को सिक्रेट करेगा, पोस्ट गैंग्लिया भी आपका एसिटाइल कोलिन को सिक्रेट करेगा। सिंपेथेटिक डिवीजन में क्या होगा, जो आपका प्री गैंग्लिया है एसिटाइल कोलिन को ही सिक्रेट करेगा, लेकिन जो आपका पोस्ट गैंग्लिया है वो नोरेपिनेफ्रिन को सिक्रेट करेगा। और दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी कि एड्रीनल मेड्यूला का एक्टिवेशन होगा और ये एड्रीनल मेड्यूला जो है फर्दर सिक्रेट करेगा एपिनेफ्रिन को। तो इस तरीके से जो सिंपेथेटिक डिवीजन होता है उसमें एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन दोनों सिक्रेट होते हैं।
लेकिन जो प्राइमरी या फिर प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक दोनों के केस में एसिटाइल कोलिन ही सिक्रेट करते हैं और बाकी सिंपैथेटिक डिवीजन में पोस्ट गैंग्लियन के थ्रू एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन दोनों का सिक्रेशन होता है। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है कि कैसे न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट हो रहा है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये फुल फॉर्म है, जहाँ पर ACH लिखा है वो एसिटाइल कोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन है और ये रिसेप्टर है निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंड मस्किडारी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। तो ये सारा आपको याद रखना है। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बताने हैं जो जो ये कहेंगे। तो इसको क्या करना है कि पहले आपको ये सारा क्वेश्चन पढ़ना है, 1 to 2 minutes के लिए आप वीडियो को पॉज करिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज्ड करके आप आए हैं और इस जो सेकंड लेक्चर है इसको अच्छे से सुना है, तो ये क्वेश्चंस आप इतनी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है एकदम भारी भरकम कंसेप्ट पूछ लिया हो, जितना पढ़ाया है उतने में आराम से कवर हो जाएगा, इवन उससे ज़्यादा ही। और वैसे भी मैं इनका सारा एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊँगी अगर आप पे नहीं आएगा, लेकिन पहले आपको खुद से कोशिश करनी है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये जो है उसके ऑब्जेक्टिव है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेटेड बाय प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके लिए मैंने एक बात कही थी कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन चाहे सिंपैथेटिक का हो चाहे पैरासिंपैथेटिक का हो चाहे आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब पैरासिंपैथेटिक सिंपैथेटिक या सोमैटिक नर्वस सिस्टम का हो, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन केवल और केवल एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन करते हैं। एपिनेफ्रिन जो है आपका और नोरएपिनेफ्रिन वो आपके पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पोस्ट गैंग्लिया के थ्रू सिक्रेशन होता है, लेकिन प्री गैंग्लिया एसिटाइल। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका आंसर है। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, बाय चांस अगर आप कभी भूल जाए आपको याद ना आए तो मैंने एक्सप्लेनेशन भी मेंशन करा है कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दो, अच्छे से पढ़ लो और इनको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन क्या है, द सेल बॉडी ऑफ सिंपैथेटिक प्री गैंग्लिया, फिर वही बात आ गई, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात आ गई, प्री गैंग्लिया की बात आ गई, कहाँ लोकेटेड होते हैं, कहाँ से निकलते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि पूरी इंफॉर्मेशन ब्रेन से आएगी, ब्रेन से आते आते आपका जो थोरेसिक रीजन होगा प्लस आपका लंबार रीजन होगा वहां से निकलना शुरू होता है, इसीलिए इसको कहते हैं थ्रेको लंबार आउटफ्लो। और ये निकलती है तो कहाँ से निकलना शुरू होता है, लोकेशन क्या था, लोकेशन था आपका इंटरमीडियो लेटरल सेल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बीचों बीच प्रेजेंट है, मिडिल में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको कहा है इंटरमीडियो लेटरल। लेटरल इसीलिए क्योंकि इस तरीके से निकल रहा है, यहाँ से डोर्सल साइड से भी निकल रहा है, वेंट्रल साइड से भी निकल रहा है, लेटरल साइड से भी निकल रहा है। तो लोकेशन क्या था, इंटरमीडियो लेटरल सेल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो फर्स्ट ही हमारा ऑप्शन है। सेकंड क्या है, सेकंड है पोस्टीरियर सेल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। पोस्टीरियर मतलब नीचे की बात हो रही है, वहां से थोड़ी ना, ये तो बिल्कुल मिडिल से है ना, स्पाइनल कॉर्ड ही हमें पता है कि मिडिल में है, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हुआ। फिर आपका है गैंग्लियंस की बात हो रही है, तो आपके गैंग्लियंस जो हैं वो बेसिकली गैंग्लियन से कैसे, आपके जो प्री गैंग्लियन है, ये तो बिल्कुल वैसे ही सी बात हो गई कि मैं अगर किसी रूम में खड़ी हुई हूँ तो मैं क्या कहूँगी कि मैं रूम में खड़ी हुई हूँ, मैं ऐसे थोड़ी ना कहूँगी कि रूम में मैं खड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल वैसे उल्टी बात ही हो गई। तो गैंग्लिया का निकलना गैंग्लिया से तो नहीं होगा, वो किसी रीजन से होगा, तो रीजन क्या है, आपका है इंटरमीडियो लेटरल रीजन। तो ऑप्शन ए ही इसका सही है, एक्सप्लेनेशन ये मैंने लिख दिया है तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको जरा सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लिया,
अब प्री की बात नहीं हो रही है, अब काय की बात हो रही है, पोस्ट गैंग्लिया की बात हो रही है। पोस्ट गैंग्लिया जो न्यूरॉन्स होते हैं दैट आर कोलिनर्जिक इनर्वेट। अब मैंने आपको बताया था जो सिंपथेटिक पोस्ट गैंग्लिया होते हैं वो मोस्ट ऑफ मतलब हर एक सिचुएशन में वो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन का सिक्रेशन करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है जहां पर वो एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन करते हैं या कोलिनर्जिक फॉर्म में होते हैं। वो आपका एग्जाम्पल क्या था? स्वेट ग्लैंड था। क्योंकि जब आपका सिंपथेटिक में पोस्ट गैंग्लिया स्वेट ग्लैंड में इनर्वेट करता है तो वो आपका एसिटाइल कोलिन को सिक्रेट करता है। ठीक, तो ये उस एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करो, ये क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज करेक्ट फॉर माइक्रोग्लिया सेल्स एंड ब्रेन? इसको देखो जरा, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी। क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट क्या है, माइलिन फॉर्मेशन में बिल्कुल नहीं, क्योंकि माइक्रोग्लियल सेल्स बेसिकली क्या है, मैक्रोफेजेस है, इम्यून सेल्स है, तो इनका क्या काम होगा? इनका सिंपल काम होगा स्कवेंजिंग इंजर्ड सेल्स। इसका मतलब ये है जो आपकी जितनी भी डैमेज सेल्स हैं, इंजर्ड सेल्स हैं, उनको पकड़ के क्लियर कर देना। जो आपके ब्रेन्स में जितने भी आपके पैथोजेंस हैं या डैमेज सेल है, एपोप्टोटिक सेल्स हैं, उन सबको पकड़ के क्लियरेंस उनका करना ही आपका स्कैवेंजिंग कहलाता है। और आपकी जो माइक्रोग्लियल सेल्स हैं उनका वही फंक्शन होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्मेशन में बिल्कुल नहीं होता, साइनेप्स में से किसी तरीके से नहीं होता, तो माइक्रोग्लिया नाम से ही क्लियर हो गया। तो ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था जिसे आप आराम से कर लेते। नेक्स्ट जो है इसको जरा सॉल्व करो। विश्वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलीज्ड बाय सिंपथेटिक प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। तो हमारी सिंपथेटिक प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स थे वो मोस्ट ऑफ टाइम क्या सिक्रेट कर रही थी? न्यूरोट्रांसमीटर था, एसिटाइल कोलिन, और कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स को भी सिक्रेट करती हैं, जैसे न्यूरोस्टेटिन हो गया और आपका एनकेफेलिन हो गया, सबस्टेंस पी हो गया। लेकिन आपका ये जो सेरोटोनिन है, ये सेरोटोनिन आपका न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर में केवल एसिटाइल कोलिन को ही ये सिक्रेट करती हैं, और कोई न्यूरोट्रांसमीटर मोस्ट ऑफ टाइम एसिटाइल कोलिन ही सिक्रेट होता है, अदर न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता। तो अगर आपको ये पता है कि सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स है तो आप उसी से इसको सॉल्व कर लेते, क्योंकि ये बात यहीं से क्लियर हो जाती है कि जो आपका सिंपथेटिक प्री गैंग्लियंस होते हैं वो बेसिकली कई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सिक्रेशन करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर और कौन सा, एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करो। अब पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते। क्वेश्चन क्या है? स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एन एनिमल वॉज ट्रांसेक्टेड, ट्रांसेक्शन किया गया है, कट किया गया है एट C1 एंड C2 लेवल। द रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल स्टॉप्ड एंड इट नीडेड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। हाउएवर द हार्ट कंटिन्यूड टू बीट ऑल्दो एट स्लोअर रेट। अब देखो ये क्वेश्चन एक तो आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन सेंस से अगर थोड़ा सा लगाओगे। पहली बात क्या हो रही है कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसको ट्रांसेक्ट किया गया है C1 एंड C2। C1 एंड C2 मतलब जो आपका वर्टीब्रल कॉलम है, जो वर्टीब्रल कॉलम कहां से शुरू होता है? ये आपका ब्रेन है, ये आपका वर्टीब्रल कॉलम है। तो वर्टीब्रल कॉलम का जो हाइंड ब्रेन है ये वाला पार्ट, यहां पे एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं मेड्यूला। तो मेड्यूला ओब्लंगेटा से ही सीधा आपका स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन होता है, जिसमें पहला वर्टीब्री होता है C1, सेकंड होता है C2। C1 को कहते हैं एटलस, C2 को कहते हैं एक्सिस। तो मतलब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी ये बात बताई थी कि अगर मेड्यूला ओब्लंगेटा में किसी तरीके का कोई डैमेज होगा तो उसका इफेक्ट स्पाइनल कॉर्ड पर भी पड़ता है। तो C1 और C2 में कट किया, ट्रांसेक्ट करा यहां से, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे उन्होंने कट करा तो उन्होंने क्या देखा कि जो रेस्पिरेशन था वो स्टॉप्ड हो गया, और पेशेंट को या जो कोई पर्टिकुलर एनिमल था उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया गया। एकदम सही बात है,
क्योंकि अगर ये आप यहाँ पे कट करोगे तो मेड्यूला जो है वो अफेक्ट होगा, और मेड्यूला जो है उसका किस लिए वो कंट्रोल करता था, वो वाइटल कंट्रोल करता था, जिसमें रेस्पिरेशन का पूरा कंट्रोल, कार्डियक ब्लड प्रेशर का पूरा कंट्रोल मेड्यूला के पास है। तो क्या होगा कि जैसे ही इन्होंने कट किया तो रेस्पिरेशन सिस्टम तो बिल्कुल डैमेज हो गया, क्योंकि मेड्यूला डैमेज हो गया। अब रेस्पिरेशन के लिए कंट्रोल करने के लिए कोई डिवाइस नहीं, तो बिल्कुल सही है कि रेस्पिरेशन स्टॉप हुआ तो उनने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया, लेकिन उनका जो हार्ट है वो कंटिन्यू काम कर रहा है, बाकी उसकी जो हार्ट बीट है बस वो स्लो हुई है। अब ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो आपका हार्ट है वो ऑटो रेगुलेशन करता है, मायोजेनिक इन नेचर होता है। जब मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगी तो ये बता दूंगी, लेकिन ये हमें बिल्कुल बेसिक पता होता है कि हमारा जो हार्ट है वो ऑटो रेगुलेशन पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर मिल गया। अब देखो एक्सप्लेनेशन, देखो पहला क्या कह रहा है, रेस्पिरेटरी जो रेगुलेटरी सेंटर्स है वो मेड्यूला में प्रेजेंट है, पहला। सेकंड क्या कह रहा है कि रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर इज लोकेटेड अबव द C1 एंड C2 कट। एकदम सही बात है, क्यों? क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें C1 एंड C2 स्टार्टिंग के पार्ट है, और स्पाइनल कॉर्ड से जस्ट अटैच्ड होता है आपका मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा। तो ये बात एकदम सही है, और मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा आपके रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके एकदम सही है कि रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन मेड्यूला, एंड सेकंड रेस्पिरेशन रेगुलेटरी सेंटर इज लोकेटेड अबव C1 एंड C2। मतलब एक जगह उन्होंने क्या कहा है कि मेड्यूला लिख दिया, और अबव एक टर्म्स डाला है, अबव मतलब मेड्यूला ही। ठीक है, थर्ड आपका क्या है, हार्ट रेगुलेटरी सेंटर इज अबव C1 एंड C2 कट। देखो अब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये बात होती तो बात क्या हो जाता, अगर C1 और C2 के ऊपर होता तो C1 और C2 में जैसे ही कट करा था ना तो आपका हार्ट भी तुरंत ही स्टॉप हो जाना था, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हार्ट कंटिन्यू काम कर रहा है, बस उसकी जो हार्ट रेट है वो स्लो हुई है। तो ये कब हो सकता है, जब आपका जो हार्ट है वो ऑटो रेगुलेट हो। अगर आपको बस इतना ही पता था इस क्वेश्चन में कि जो आपका हार्ट है वो कंटिन्यू काम कर रहा है, मतलब इसका रेगुलेशन ऑटो रेगुलेशन है, को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, तो डी ऑप्शन एकदम सही था। अगर डी सही था तो आपको क्या पढ़ना था, या तो आप पढ़ ये वाला या ये, ए और बी तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया। और क्वेश्चन में ही उन्होंने एक चीज ये बता दी है कि C1 एंड C2 पे कट किया है तब जाके रेस्पिरेशन रुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि C1 और C2 के ऊपर का मेड्यूला होता है, और मेड्यूला बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन के लिए, है ना, रेगुलेशन के लिए। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ये एकदम सही है, जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं, ऑप्शन डी सही है। तो इस तरीके से आपका ए बी एंड डी, जो आपका सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था, अगर आपने थोड़ा ही कंसेप्ट को क्लियर रखा है, क्वेश्चंस को बस आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछेगा, क्योंकि जो बी सेक्शंस के क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, लेकिन जैसे ही आप लॉन्ग क्वेश्चंस पे स्विच करेंगे, सी सेक्शन पे स्विच करेंगे, तो उसमें बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। लेकिन देखो कैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम कुछ नहीं पूछा है, बस इतना एक एक्सपेरिमेंट है, कट कर दिया गया C1 C2 को, तो ऑब्वियस है क्या होगा सिनेरियो, ये दे दिया गया, तो ऑप्शन वो ही सी है, और ये उसका एक्सप्लेनेशन मैंने एकदम भर के लिख दिया, आराम से पढ़ लेना, भूल जाओगे, उसके लिए लिखा है। तो हुआ क्या, आज हमने कर लिया पेरिफेरल लर्वा सिस्टम खत्म, और प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंट्रल लर्वा सिस्टम को कंप्लीट किया था, और ये उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे वो भी हमने सॉल्व करा लिए। तो मुझे लगता है कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे आराम से, देखो बहुत से क्वेश्चन सी सेक्शन के ऐसे हैं जो कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी सॉल्व करके देखा है, कुछ ऐसे होते हैं जो अगर आपको थोड़ा भी कंसेप्ट है तो आप उससे सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था, जो मैंने अपने कॉन्टेंट में बताया था कि फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, पहला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो वो आज हमारे दोनों सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन के दोनों लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। जो हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल्स के बारे में, ठीक। तो ये दोनों लेक्चर थोड़ा अच्छे से पढ़ो, सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। यदि
कोई भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने यही बात कही थी, जिससे जितने भी आपके कमेंट्स आ जाएंगे या कोई क्वेश्चंस क्वेरी रहेगी उनको हम साथ में रख लेंगे, फिर हमारा जो भी अपकमिंग लेक्चर होगा सूटेबल रहेगा वहाँ पर हम आपकी सारी क्वेरीज की जो है वो सॉल्व कर देंगे। तो तब तक क्या करना है, जब तक नया लेक्चर आएगा एक्सेम पोटेंशियल का तब तक ये अच्छे से पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी एक्शन पोटेंशियल की, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।